गुड मॉर्निंग गाइस, हम हैं पराशर लेक में और आज जो है हम आपको पराशर लेक ही दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चाय वाय बना के पी लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर में और देखते हैं पराशर लेक में क्या क्या मिलेगा। सो गाइस, ये जो है पूरा एरिया पराशर का एरिया है और ऊपर की तरफ आप देखोगे पीछे की तरफ तो वहाँ पर आपको मिलेगा पराशर लेक। और जो पूरा एरिया है आप देख सकते हो भाई, बहुत खूबसूरत है। वहाँ से देखकर ऊपर तक देखिएगा, जहाँ भी आप नज़र घुमा के देखोगे ना वहाँ पर आपको बस ब्यूटी ही ब्यूटी नज़र आएगी। चाहे तो आप देखिए उधर पहाड़ बर्फ़ के हैं और नीचे की साइड में जो खाइयाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब शांति देने वाली ये जगह है पराशर लेक। और आप देख रहे हैं कौशिक कार ब्लॉग। और अगर आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोगों को तभी उत्साह या प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग हमें दिल से कनेक्ट करते हैं, और जब ही दिल से कनेक्ट होते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पर पराशर लेक पर सब जगह कैंपिंग साइट्स हैं, कहीं भी कैंपिंग लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ है हमारी ऊपर जो पराशर लेक है वो है ऊपर। भाई हम वहाँ से आए हैं इधर से चलते हुए और इधर की तरफ जाएंगे। बहुत खूबसूरत है, नीले नीले आसमान के नीचे बहुत सुंदर झील। वो वाह, मतलब जो हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया वही आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं भाई। ये है पराशर लेक, वाह। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर सीढ़ियों से उतरेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक टेंपल में भी, शायद ये पराशर ऋषि ने बनाई थी ये लेक जो है, तो उनसे ही कुछ संबंध है इनका, तभी जो है इस लेक का नाम पराशर लेक है। तो अभी जो है डिटेल में तो मैं आपको आगे चल के ही बता दूंगा खैर, बट जो है ना नज़ारे यहाँ के भाई बहुत खूबसूरत हैं। खपड़ैल से बनी हुई ये छत काफ़ी ज़्यादा सही सी लगती हैं और इनको रोका गया है कीलियों के द्वारा। यहाँ पर इनका खुद का ही गीज़र वगैरह है जो कि शायद सोलर है, हाँ सोलर है। क्या यहाँ पर गर्म पानी आता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको जाना था बताया था कि भाई पराशर ऋषि से कुछ रिलेशन है, तो देखिए भाई यहाँ पे लिखा हुआ है जय पराशर ऋषि। यहाँ भाग्य से तीर्थ में है, पर्यटक स्थल पर नहीं। तीर्थ को तीर्थ रहने दो, पर्यटक स्थल मत बनाओ। मोज के लिए, आत्म कल्याण के लिए है। तीर्थ सैर सपाटे से अधिक परमार्थ साधने को है। तीर्थ मनोरंजन के लिए नहीं, भाव शुद्धि के लिए। तीर्थ खान पान नहीं, स्वयं नियम के लिए। वाओ, सही बात है बिल्कुल एकदम। गाइस ये है यहाँ पे मंदिर जो कि पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर तक देखिए अब, और खपड़ैल से बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये यहाँ पर इसका गेट है, देखिए पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए साथ में है झील। लुक एट दिस स्ट्रक्चर यार, टोटली वुडन। आप इसकी इसके छत देखिए, आप इस पर नक्काशी देखिए, पूरा जो है वुडन है और नेचुरल तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है। सो गाइस ये है पराशर लेक मेन, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं। और इस जो लेक में है, कहते हैं कि इसका पानी ऊपर छिड़कने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भाई ये मंदिर जो है कुटिया कभी पराशर ऋषि की हुआ करती थी, और ये लेक जो है वो पराशर लेक के नाम से इसीलिए फेमस है। सो ये जो टापू है ना, ये भाई तैरता रहता है, ये कभी इस तरफ आ जाएगा या कभी इस तरफ आ जाएगा। सो गाइज ये है ना मतलब घूमता ही रहता है, ये कोई स्थिर नहीं रहता है। जैसे आज यहाँ पे है, हो सकता है कल वहाँ पर हो, ऐसे रहता है।
जिन रास्तों का हम आपको रात को मजा नहीं दे पाए भाई, वो रास्ते अभी आपको दिख जाएंगे। ये देखो भाई, सोने जैसी धूप लग रही है इन पेड़ों के बीच में से धूप निकलती हुई, बहुत खूबसूरत। शीशा साफ नहीं है दोस्तों, माफ करना, बट जो है ना आप नज़ारे का लुत्फ लो भाई, बहुत ही खूबसूरत है। धूप में से जब निकलते ना, सोने जैसी धूप निकल रही थी बिल्कुल एकदम पेड़ों के बीच में से। तो भाई अब आके यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा हुआ रास्ता और अब थोड़ा सा सही लग रहा है, वहाँ पे ऊपर बहुत तंग था। और सामने देखिए भाई, धूप और पेड़ भाई, बहुत सारे नज़ारे भाई। इन नज़ारों के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, अगर आप कर सकते हो तो भाई कर दो, क्योंकि ऐसे नज़ारे भाई आपको फिर भी देखने के लिए मिलेंगे। इस वहाँ पर खड़ी हुई अपनी गाड़ी, ये देखिए यहाँ पर खड़ी अपनी गाड़ी, और मैं लेने गया था माचिस, क्योंकि माचिस हमारी ख़त्म हो चुकी थी भाई। बीड़ी पीना नहीं है, खाना बनाने के लिए, क्योंकि माचिस जो है ना, एक में जो लेकर आया था ना, वो पता नहीं कहाँ फिसल गई, जिसकी वजह से ना बाकी का सारा तामझाम था हमारा, ख़राब हो गया। तो गाइस ये वाला स्टूल हमने मंगवाया है अमेजोन से, और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये। अगर मैं इस पर बैठता हूँ ना, एक तो हल्का बहुत है और बैठने में भी बहुत कम्फर्टेबल है, काफी ज्यादा सही लगता है। यहाँ पर बन रहा है अपना चावल, और यहाँ पर अपने राजमा जो है वो उबल चुके हैं, बस इसमें तड़का मारना बाकी है, और बस आधे घंटे में निमट जाएगा सारा काम। गाइज हमारे चावल जो हैं ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब जो है ना राजमा में तड़का मार देंगे। ऑल सेट हो चुका है, नहा भी लिया हूँ मैं, और खाना वाना भी खा लिया हमने, गाड़ी वाड़ी भी कुछ सेट कर दिया, पैकिंग वैकिंग सब हो गई। यहाँ पर देख सकते हो आप भाई, कोई भी कूड़ा हमने नहीं छोड़ा है। अब चलते हैं डलहौजी। अब हम निकल चुके हैं अपनी उस लोकेशन से, सो गाइस आज हम आए हैं यहाँ पर, एक पालमपुर में एक हॉस्पिटल है, हमारे एक ऑफिस खुली है, हम पालमपुर में, और यहाँ का जो फूड है ना बहुत फेमस है, तो यहाँ से हम कुछ फूड लेने आए हैं, पैकिंग करवा लेंगे। आज मेरा वैसे बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी, और अभी जो है ना कुछ सामान लेकर जाएंगे। ये है भाई राम मंदिर, जो पालमपुर का राम मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? रात जो है ना व्लॉग को एंड करना मैं भूल गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ बहुत दिनों बाद मिला था, मतलब दोस्तों एक दीपक तो था ही, लेकिन साथ में जो हमारे सुशील जी थे वो भी मिले थे, तो उसकी वजह से भाई रात को ब्लॉगिंग एंड करना भूल गया था। वैसे भी वहाँ पे थोड़ा सा होचपोच सा रखा था, तो आज जो है इस व्लॉग को एंड करते हैं, और इसके बाद दूसरा व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और भाई चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।